हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। अभी बज रहे हैं रात के 11 और इधर हमारी थाली है कंप्लीट। ये देखिए, ये सैलेड और ये खाना, छोला चावल पूड़ी और इधर सैलेड। और ये देखो, ये चंगू मंगू ना इंतजार कर रहे हैं। क्यों, खाना खाना है आप लोगों को? पंखा बंद करो। और ये दोनों इंतजार कर रहे हैं खाना का, कि जल्दी से मम्मी वीडियो शूट कर ले तो फिर भोजन मिले हम लोगों, क्यों ना। ये देखो कितने खुश हैं। आज वाला तो आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, कितना ज़्यादा मस्ती करते हैं ये लोग, ऐसे ही करते हैं। अभी खाना खिलाएंगे ना तो वही फिर से ड्रामा होगा, और कल मुझे लगा इसलिए मैंने शूट किया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को फटाफट से अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा आज गर्मी है, मौसम बहुत गर्म हो रहा है। हमने फ़ैन भी देखिए बंद कर रखा है फ़ैन, कि आप लोगों को हमारी आवाज़ अच्छी सुनाई दे। और आज पता है नए वाले फ़ोन से वीडियो स्टार्ट किया है मैंने। तो जो मेरे फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये देखिए, इसकी मस्ती शुरू है ना। ये आयत के गोदी में लेट जाता है, अनिका के सॉरी, और अनिका इसको संभाल नहीं पाती, खुद भी गिर पड़ती, इसको भी गिरा देती है, ऐसा ही चलता है इन लोगों का। और यहाँ पर ये देखिए, ये शाम की क्लिफ है। अनिका और आयत दोनों गए हुए थे गंगा जी के किनारे खेलने के लिए। वहाँ पर जो फील्ड है, वहाँ पर सारे बच्चे आते हैं, अगल बगल के जितने भी लोग हैं सभी लोग, काफ़ी बड़ा मैदान है वहाँ पर, तो वहीं बच्चे खेलते हैं। तो ये लोग भी गए हुए थे अपनी बॉल लेकर के और वहीं खेले थे बच्चे। इनका भी मन करता है, घर में लगातार रहते हैं एक ही कमरे में तो ऊब जाते हैं। वैसे रोज़ रोज़ नहीं जाते हैं, लेकिन जब कभी एक दो महीने बाद ही चले जाते हैं। इस बार तो काफ़ी दिन बाद गए हुए थे। और ये बाबू जब गंगा किनारे जाता है तो इसकी ज़्यादातर तबीयत ख़राब हो जाती है, इस वजह से मैं इसको बिल्कुल भी नहीं भेजती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, ये मॉर्निंग की क्लिप थी, आटा पीस कर आया हुआ था, तो वही मैं खाली कर रही हूँ बर्तन में। और ये टंकी को मैंने पहले ही धुल के रखा हुआ है, तो बस इसको पोंछ देंगे और इसी में खाली कर लेंगे इसको आटा। और आटा पता है गेहूं मैंने धुल के अच्छे सुखाया हुआ था, लेकिन फिर भी इसमें हल्की सी गांठें हो गई थी, पता नहीं क्यों। और इसको अब इसमें खाली कर लेंगे। और ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया था इस बार, क्योंकि उतना ही पिसवाती हूँ मैं जितना मेरे बर्तन में आराम से आ जाए, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। कभी कभार हो जाता है ना, अंदाज़ नहीं मिल पाता है चीज़ों का, तो इसको मैं इसमें अब खाली कर लूँगी। और ये नहाने के पहले ही खाली कर लूँगी, नहीं तो फिर ये आटा बहुत उड़ता है तो पूरा वाइट वाइट सा हो जाता है। तो मैंने अभी नहाया भी नहीं है, पहले इसको खाली कर लेंगे, पोंछा ओंछा लगा लेंगे, फिर ही नहाऊँगी मैं उसके बाद में। और इस तरीके से इसको दबा दबा के भरेंगे। और ये देखो, मैं दिखा रही हूँ ना, ये हल्की हल्की सी गांठें जैसी हो गई थी, तो वही मैं दिखा रही हूँ कि देखो गांठें हो गई इसमें आटे में, लेकिन जब छानेंगे तो निकल जाएगा, कोई बात नहीं है। और ये बाबू मेरे पास खड़ा हुआ था, और ये देखिए, इसको ना हर एक काम करना होता है, और आटे में खेलना तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये खड़ा हुआ था, सोच रहा था मुझे मिल जाए तो मैं भी खेल लूँ इसमें, और ये फैला फैला के खेलता है आटा। तो फ्रेंड्स, और जिस तरीके से आप लोग ना मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही आगे मेरा सपोर्ट देते रहिएगा, और मैं आप लोगों के सपोर्ट के बिना ना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिएगा। और यहाँ पर ये देखिए, मेरा भर गया आटा, और ये टंकी रख दूँगी मैं उठा के। और दूसरा बर्तन खोज रही हूँ कि कोई और बर्तन मिल जाए, थोड़ा सा आटा बचा हुआ है उसको भी खाली कर लूँ, लेकिन कुछ भी नहीं है, सारे बर्तनों में कुछ ना कुछ रखा हुआ है। और ये लास्ट में एक भगोना मिला है मुझे, इसी में भर लूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा ही बचा हुआ है, आ जाएगा इसमें आराम से, अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है ये, तो इसी में पहले इसी का यूज़ कर लेंगे। और इसको थाली से ढक के रख देंगे, क्योंकि इसका भगोने का ढक्कन नहीं है ना मेरे पास, तो बस इसी को पहले यूज़ कर लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, बाद में टंकी में से नंबर आएगा, और इसी में इसको भर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।